भाई मैं अपने भाई को बेच दूं इस किट के लिए भाई, आई लव माय ब्रदर बट दिस किट आई लव इट इवन मोर। भाई ऐसी किट बनाने वालों को तो ना गोली मार देनी चाहिए भाई, उनके हाथ काट दो भाई। अगर कभी कोई सोचे ना भाई कि मैंने 2 साल के YouTube में जो कुछ कमाया वो कहाँ बर्बाद करा है, तो ये रहा तुम्हारे सामने। तो आज हम इस चीज़ पे नज़र डालेंगे कि आने वाले साल के अंदर हम किन जर्सीज़ के ऊपर अपना पैसा उड़ाने वाले हैं। हम रिव्यू करेंगे 23-24 सीज़न की जर्सीज़ को, रेट करेंगे उनको आउट ऑफ 10, एंड हम देखेंगे कि उन क्लब की करंट जर्सीज़ के ऊपर ये एक अपग्रेड है या डाउनग्रेड है या फिर ये सेम टू सेम है। इट इज़ गोइंग टू बी एक इंटरेस्टिंग वीडियो, मेरे को बहुत मज़ा आने वाला है भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो भाई हम शुरुआत करेंगे प्रीमियर लीग के साथ, एंड प्रीमियर लीग के अंदर भी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैंपियंस भाई मैनचेस्टर सिटी, एंड ये है उनके इस साल की होम जर्सी। इट्स अ गुड जर्सी, मतलब मैं आई डोंट थिंक इट्स अपग्रेड पिछले वाले के ऊपर, इट्स काइंड ऑफ एक सेम टू सेम। ऐसा भी नहीं कि पिछली वाली जर्सी भी कुछ बहुत ही ज़्यादा खास थी, बट मेरे होगी वैसे ही पीछे। तो ये जो इनकी होम किट है ना इस साल की, इस साल मतलब जो सेंटर में बैज है, इट लुक्स गुड, इट्स ए गुड किट। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, डिज़ाइन के मामले में ऑफकोर्स ये वाली किट के ऊपर दे हैव गॉट मोर डिज़ाइन ऑन इट, ये वाली तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है अपने आप में। बट स्टिल बीइंग वेरी फ्रैंक, आई वोंट से कि ये बहुत बड़ा अपग्रेड है, एंड प्लस क्योंकि मुझे वी नेक से नफरत है, मुझे आई हेट वी नेक, आई लाइक इधर कॉलर या राउंड नेक, वरना मेरे छाती के बाल बाहर आते हैं भाई प्लीज। बट ओवरऑल इट्स अ गुड किट, इट लुक्स वेरी स्लीक, दे आर द चैंपियंस, देयर इट वुड लुक्स, इट्स अ वेरी सिंपल किट। ऐसा नहीं उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं करा, प्रोवाइडेड अगर दे आर एमिंग फॉर द ट्रेबल दिस सीजन तो दे कुड हैव गॉन फॉर समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट ठीक है, हालैंड के साथ मतलब दे आई थिंक दे स्टिल एक्सपेक्ट टू बॉटल इट। लेकिन क्योंकि इनकी एक्चुअली में अवे और थर्ड किट भी लीक हो चुकी है ना, तो अगर मैं तुम्हें इनका ओवरऑल हॉल दिखाऊं जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये इनकी अवे जर्सी एक्सपेक्टेड है, दिस इज गुड, आई लाइक इट, दिस इज वेरी गुड। इनकी इस साल के अवे जर्सी के ऊपर तो ये एक मेजर अपग्रेड है भाई, दिस इज अ गुड किट भाई साहब। ये ब्राउनिश का और ये व्हाइटिश का, ऑफ व्हाइट है, व्हाइट भी नहीं है बिंग वेरी फ्रैंक, इसका जो कॉम्बिनेशन है इट ऑब्वियसली हिट्स वेरी रॉयली डिफरेंट। ये लग रही है चैंपियंस टाइप की एक जर्सी, तो दिस इज अ गुड अपग्रेड। एंड अगर मैं इनकी थर्ड किट भी दिखाऊँ तुम लोगों को तो दैट इज ऑल्सो एक अपग्रेड। तो पता है इनकी ओवरऑल जो हॉल है ना इनकी, मतलब फर्स्ट किट, सेकेंड किट और थर्ड किट तीनों का अगर मिला है, होम किट, अवे किट, इट्स एक अपग्रेड, इट्स एक मेजर अपग्रेड। ओवरऑल आई वुड से 8.5, बट इफ आई हैव टू स्टिक विद द होम जर्सी आई डोंट नो, इट्स नॉट एक अपग्रेड तो नहीं है भाई, सेम टू सेम आई वुड से दिस इज अ 7.5, दिस इज अ 7.5, इट कुड बी बेटर, इट कुड बी बेटर। एंड आई हेट, मेरा पर्सनल बायस के अंदर भाई राउंड नेक क्यों नहीं भाई, अभी वाली में है ना राउंड नेक, कितनी प्यारी लगती है वो, बट ठीक है दिस इज नॉट बैड एज वेल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्सेनल के ऊपर, एंड आर्सेनल की जर्सी इज क्विट प्रिटी इंटरेस्टिंग भाई, इट्स अ गुड किट, इट्स एक अपग्रेड स्ट्रेट अवे। अगर तुम सिंपली डिज़ाइन का देखोगे, दो आई नो यहाँ पे कॉलर हटा दिया उन लोगों ने, कॉलर मेरे को बहुत पसंद है जर्सीज के अंदर, लेकिन ठीक है इट्स राउंड नेक, आई अप्रिशिएट इट स्टिल, 10 marks फॉर द एफर्ट। बट द गोल्डन जो वो लोग कह रहे हैं कि दे हैव एडेड द गोल्डन बिकॉज इट इज ट्रिब्यूट टू द इनविंसिबल्स, और अपेरेंटली हर क्लब इस साल किसी ने किसी चीज को ट्रिब्यूट दे रहा है, हम आगे देखेंगे भाई, हर क्लब किसी ने किसी चीज को ट्रिब्यूट दे रहा है इस साल, लेकिन ठीक है इट लुक्स गुड, इट्स अ गुड किट बींग वेरी फ्रैंक। बट पता क्या है, दे मेड दिस किट, यू कैन नॉट डिनाई कि दे मेड दिस किट थिंकिंग कि दे आर गोइंग टू विन द लीग, दे आर कन्विंस्ड कि दे आर गोइंग टू विन द लीग, एंड उन लोगों ने एंड मौके पे बॉटल कर दी भाई। आई एम श्योर कि वो लोग एक्चुअली में यार इट पे इट हर्ट्स, ये किट ना चैंपियंस के ऊपर डिफरेंट हिट करेगी बींग वेरी फ्रैंक, तो आई वुड टेक अवे अ पॉइंट फॉर दैट। इज इट एक अपग्रेड, आई थिंक इट्स एक ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर अगर तुम देखोगे लाइक ये काफ़ी प्लेन है बीच में से एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड बैज भी एकदम सिंपल है, बट दैट इज एक मतलब डिज़ाइन वाइज तो शॉर्टली एक अपग्रेड है, एंड द गोल्डन लुक्स नाइस ऑन वाइट, इट्स अ वेरी स्लीक एंड रॉयल डिज़ाइन है ये पूरी बींग वेरी फ्रैंक इस जर्सी का, तो आई वुड से इट्स एक अपग्रेड। इट्स 8.5, मैंने पिछले वाली मैन सिटी को कितना दिया, ओवरऑल तो आई थिंक इट्स 8.5, इनकी होम जर्सी इज एक अपग्रेड, इट लुक्स गुड, इट लुक्स वेरी नाइस, एंड दो मैं देखना चाहूंगा इसको रियलिटी में पहन के कि ये कैसी लगेगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, या कैसे मिलो लुक्स लाइक ही इज वेरी प्राउड, रेड जर्सी में खेल के उसको काफी मजा आ रहा है भाई, खून के धब्बे नहीं दिखते ओपोनेंट्स के, पर भाई दिस किट इज इंटरेस्टिंग, आई मीन उनके इस साल की किट काफी बढ़िया है बींग वेरी फ्रैंक,
एंड उसके ऊपर ये किट इज एक अपग्रेड। आई फील लाइक इट्स एक सेम टू सेम चीज, दो इनकी इस साल की किट इज एक्चुअली वेरी गुड, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपग्रेड है फिर समथिंग लाइक दैट। तो दिस लुक्स नाइस एज वेल, दो ये भी एक वी कॉलर है, बट आई जस्ट लाइक द डिजाइन जो इन लोगों ने काफी स्लीक रखा है और काफी छोटा वी नेक है, इट्स नॉट लाइक ये काफी बड़ा वी नेक हो। तो थैंकफुली भाई इन लोगों ने मेरा ध्यान दिया है, मुझ जैसों का ध्यान दिया है। इस जर्सी का जो एक फुल स्लीव एडिशन है ना जो रैशफोर्ड ने पहन रखा है, दैट लुक्स बेटर हाफ स्लीव से। एंड फुल स्लीव जर्सीज अगर अच्छी लग रही होती है ना तो भाई इट ऑलवेज हिट्स डिफरेंट। एंड पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक फायदा क्या है कि उनका कलर कॉम्बिनेशन ना उनके क्लब का इज वेरी नाइस, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाइट रेड ब्लैक तीनों काफी बढ़िया कलर है जो एक साथ सही जा रहे हैं इस जर्सी के अंदर। तो आई वुड से इट्स अ गुड किट, इट्स अ एट सॉलिड एट, काफी बढ़िया जर्सी है। अब ग्रेड नहीं बोलूंगा मैं इसको करंट वाली जर्सी के ऊपर, बट इनकी इस साल की अवे जर्सी, ओ माई गॉड। आई मीन ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम्हें सऊदी से पैसा चाहिए, बट इट डजंट मीन तुम उस पैसे के लालच के अंदर बैच न्यूकासल बन जाओगे। भाई ये जर्सी पता है अच्छी लग रही है, मैं देखो नो हेट, अगर मैं एकदम कॉमन वो लगा के बोलूँ तो ये जर्सी अच्छी लग रही है, लाइक प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी अ गुड किट, बट इट इज अ न्यूकासल किट, इट इज अ न्यूकासल किट भाई, झूठ नहीं बोल रहा मैं तुम्हें कसम से। भाई ये जर्सी देख के ऐसा लग रहा है हर बंदे को यही पहली फील आएगी कि न्यूकासल की किट के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना बैच लगा दिया, बट इट इज अ गुड किट, मतलब मेरे को काफी पसंद आई ये किट, आई वुड प्रोबेबली बाय दिस वन एज वेल। ये काफी बढ़िया किट लग रही है भाई, एंड इट इज गोइंग टू लुक गुड ऑन द फील्ड एज वेल। ये कलर ही अच्छा लगता है भाई, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इफ यू कैन पुल इट ऑफ अच्छे से एंड द डिजाइन लुक्स नीट, तो आई वुड बी एक्साइटेड टू सी कि ये कैसी आती है। बट ठीक है अभी के लिए तो फिलहाल जिस हिसाब से ये लोग दिखा रहे हैं I would like it. It's like overall good है भाई, good सही जर्सी है। Next we are going to have Liverpool and Liverpool की दो home kit is अ मेजर अपग्रेड इनकी इस वाली के ऊपर। इनकी इस आई थिंक लिवरपूल की ना सबसे मिनिमलिस्टिक जर्सी रखते हुए दिस इज द बेस्ट इट कैन गेट, दिस इज द बेस्ट इट कैन गेट विदाउट अ डाउट। इट भाई ये एक ऐसी किट है जो यू कैन रॉक एट अ पब, यू कैन रॉक एट एनीवेयर, तुम कहीं भी जाओ यू कैन रॉक दिस किट। एंड बींग वो इनकी इस जर्सी के अंदर खेल चुके हैं वैसे, तो देर इज नॉट मच थिंग टू डिबेट विद कि ये फील्ड के ऊपर कैसी लगेगी। तो इट्स अ गुड किट बिना ज़्यादा चेंजेस करते हुए, राउंड नेक, यू गिव देम थिक वाइट नेक्स एंड उसके ऊपर तुम लोगों ने स्लीव के ऊपर भी वाइट वो दे रखे हैं, तो जस्ट एक वाइट का एडिशन हो गया पिछले साल की किट के ऊपर एंड इट काइंड ऑफ कंप्लीट्स एक लुक। लेकिन अगर तुम लिवरपूल के इस सीजन की किट देखोगे जो थी इनकी, तो उसके ऊपर तो भाई तुम्हें वाली किट ऑब्वियसली बेटर ही लगेगी। इट्स अ गुड अपग्रेड। नेक्स्ट इज गोना बी चेल्सी। हो एंड ये इंटरेस्टिंग भाई, दिस इज इंटरेस्टिंग। पता जब पिछले साल एक्चुअली में चेल्सी की जर्सी आई थी ना एंड स्टार्टिंग में इससे मैनिक्यूज के ऊपर ऐसी फोटो आ रही थी उसकी, तो मुझे वो जर्सी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आई जस्ट सेड दैट इट इज प्रोबब्ली द वर्स्ट किट ऑफ प्रीमियर लीग, मैं ये तक बोल दिया था। बट फिर जब वो जर्सी एक्चुअली में बाहर आई थी एंड प्लेयर्स वर वेयरिंग इट ऑन द पिच, तो दैट इज ए काफी नीट किट, दैट्स अ गुड किट भाई। अगर तुम इसका कॉलर वगैरह भी देखोगे, इसका नेक साइज, एवरीथिंग सीम्स गुड, इट्स अ गुड किट, ऐसा नहीं है भाई, इट वॉज नॉट अ बैड किट। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि इसी अभी ना ये फोटोज जो आ रही है ये चेल्सी किट की, इट सीम्स नथिंग स्पेशल। तो आई विल गिव इट टाइम, इट इज नॉट एक डाउनग्रेड, इट इज नॉट एक अपग्रेड। पिछली वाली किट भी 7.5 थी, आई वुड गिव दिस ऑल्सो 7.5। इन लोगों ने भी गोल्डन टच ऐड कर रखा है इस किट के अंदर, ये भी किसी ने किसी चीज को ट्रिब्यूट ही दे रहे होंगे। न्यूकासल ने तो भाई अपनी जर्सी ऑफकोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड की अवे जर्सी देख के बनाई है, तो मैं क्या ही बोलूं इन लोगों के लिए चौरस वाले। बट नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉटनहैम हॉटस्पर, एंड मुझे लगता था ये क्लब सिर्फ फुटबॉल के ऊपर रखता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज यू, एंड ठीक है ये मुझे समझा जाता है कि ठीक है तुम्हारी होम किट तुम्हें वाइट रखनी है, सिंपल रखनी है, आई गेट इट। व्हाट इज इवन दिस, क्यों तुम ऐसी जर्सी क्यों बनाते हो? ये क्या है भाई, ये ऐसा लग रहा है किसी गोल्फ के किसी स्टोर के अंदर गए, एक टी शर्ट उठाई और उसके ऊपर छाप दिया स्पर्स का लोगो। ये इतनी ये तो देख के मुझे इतनी बेहुदा जर्सी लग रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। होम किट तो इनकी फिर अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, इनके पास कितना ही स्कोप होता है अपग्रेड वगैरह करने का अगर तुम प्लेन वगैरह रख रहे हो सिंपल। आई फील लाइक तुम स्टिल कुछ तो ट्राई कर ही सकते हो, बट ठीक है मैं इनको कुछ बोलना नहीं चाहता इस जर्सी के लिए। अब ये जर्सी ने इनका मेरा मूड खराब कर दिया भाई, इट्स अ डाउनग्रेड भाई, बेकार एकदम, वाहियात 5/10 भाई, इतना फुद्दू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ऐसी किट के ऊपर जो ज्यादा लोग खरीदने नहीं वाले, PSG। ओह माय गॉड भाई, इन लोगों ने किट्स तो वैसे इंटरेस्टिंग बनाई है एंड ये भी एक्चुअली में एक ट्रिब्यूट है इनके अर्ली 2000s के टाइम के ऊपर, जब 2000 या 1990 जब रोनाल्डिनो खेला करता था उस टाइम से रिलेटेड इन लोगों ने ये डिज़ाइन कॉपी करा है। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है
एंड इट्स ए गुड किट, मतलब मैं ज़्यादा हेट भी क्या ही करूँ, इट्स ए गुड, काफ़ी मिनिमलिस्टिक चेंजेस के साथ एक काफ़ी बढ़िया किट है ये, एंड खरीदने वाले दो लोग, क्योंकि भाई देखो नेमार जा रहा है, मेसी जा रहा है, आई डोंट नो एम्बाप्पे कितनी ही शर्ट पुल्स कर पाएगा, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ए गुड किट, सिंपल है काफ़ी, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इट्स नॉट एक अपग्रेड। इनके इस साल की किट देखो कैसे थी, इनके इस साल की किट, ओह यस बॉस, इट्स एक मेजर डाउनग्रेड, नो ब्रो, नो 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 नो, इनके इस साल की किट भाई, इनकी इस साल की किट तो मैं भूल ही गया था भाई, इट्स प्रॉब्ली अ वेरी गुड किट, और ये जो बीच में नाइकी का लोगो, बीच में पीएसजी का लोगो, इट वाज अ गुड किट। इस साल के कंपैरिजन में तो इनकी ये वाली किट तो बिल्कुल डिफरेंट हिटिंग कर रही भाई, ना 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 होमी ना, इट्स अ डाउनग्रेड, इट्स अ, मतलब ये जर्सी बुरी नहीं है, बट इनकी जो इस साल की जर्सी है ना वो बहुत अच्छी है, तो इट्स एक डाउनग्रेड भाई, आई वुड गिव इट एक 7 या। पर अगर तुम में से किसी को किसी एक अंडर रेडार क्लब की लेनी है ना, जो मेजर वाला कोई क्लब नहीं होता है उसकी जर्सी लेनी है, तो यू कैन ट्राई लियोन भाई, ओलंपिक लियोन की किट इज प्रीटी नाइस। इन लोगों ने भी वो व्हाइट एंड गोल्डन वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करा, जो बहुत क्लब्स ने ट्राई करा इस सीजन, एंड इट लुक्स गुड ऑन देम भाई, इट लुक्स वेरी गुड ऑन देम, अगर तुम देखोगे ना काफी स्लीक जर्सी लग रही है भाई ये, आई लाइक दिस वन भाई, मैंने जब देख रहा था ना तब मुझे तभी काफी पसंद आ गई थी, काफी मिनिम, इनका जो कॉलर है जो वी कॉलर है इनका, उसके ऊपर भी इन लोगों का ये जो फ्रेंच नेशनल फ्लैग टाइप जो बन रखा है, दैट लुक्स गुड भाई, दैट्स अ गुड किट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुंडेसलीगा, बायर्न म्यूनिख कमिंग अप विद ए काफी रेट्रो किट वंस अगेन, दे हैव गॉन बैक टू द टाइम जहां पे वो लोग एक मेजॉरिटी व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन यूज करते थे। मेरा एक टेक है भाई, आई डोंट नो मेरे को क्या लोग कितनी गाले देंगे इसके ऊपर, बट दिस फील्स लाइक एक अवे किट, दो ये इनकी होम किट है, क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली एक मेजर रेड एंड देन व्हाइट देखने की आदत है, तो दिस फील्स लाइक एक होम किट, मतलब दिस डजंट फील लाइक एक होम किट, एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक इट इज एक अपग्रेड अभी वाली जर्सी के ऊपर, पता है इनकी अभी वाली जर्सी इज वेरी नाइस, कहां पड़ी है इनकी जो अभी वाली जर्सी है ना भाई, इट लुक्स गुड, बीइंग वेरी फ्रैंक, इट्स अ गुड किट, एंड आई डोंट थिंक दिस इज अपग्रेड इसके ऊपर, दो आई वुड लाइक टू सी कि बायर्न फैंस का क्या कहना है, मे बी कि वो अपने जो है थोड़े हिस्टोरिक गए हैं तो उसके ऊपर उन लोगों को थोड़ी खुशी हो, एंड मे बी दे लाइक इट, बट ठीक है, आई वुड से इट इज एक मेजर अपग्रेड मेरे ओपिनियन में। ओ ना होमी, इट्स नॉट ए अपग्रेड, इट्स नॉट एक अपग्रेड, मे बी मैं एक आउटर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मे बी बायर्न फैंस का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो, बट दिस किट लुक्स वेरी नाइस यार, दिस वॉज अ वेरी गुड किट, बट स्टिल इट्स नॉट दैट बैड, मैं ये नहीं बोलूंगा इट्स दैट बैड, ये बस एक होम किट की फील नहीं दे रही है। I would give it a 7.5, I don't know, it's a little downgrade मेरे opinion में, little, but ठीक है, तुम लोग अपने retro वगैरह design में जा रहे हो, I would give it a 8, मैं ज़्यादा hate weight नहीं देना चाहता इस jersey को, it's not that bad obviously, so I would give it a 8, बाकी देखते हैं, ये on field हो सकता है better लगे। Dortmund की kit भाई, इनकी kit के ऊपर तुम देख सकते हो, यहाँ पर इनका stadium बन रखा है, यही jersey पहन के इसी stadium के ऊपर इन लोगों ने league bottle करी थी, तो obviously ये kit अपने आप पे काफी historic हो जाती है। इनकी जो इस साल की किट थी ना, दैट वाज एक वेरी गुड नाइस किट भाई, तुम जो देखोगे इनका स्टैंडर्ड जो कॉम्बिनेशन रहता है ब्लैक और येलो का, ब्लैक और येलो तो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है पता है पुल ऑफ करना, तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर डिजाइंस, बट ठीक है, दे हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट, अपना स्टेडियम की फोटो लगाई है इन्होंने अपने एक जर्सी के ऊपर, इट लुक्स लाइक अ गुड किट, कॉलर स्लीव्स दे ऑल लुक वेरी स्लीक वेरी नाइस, आई वुडन्ट से इट्स अ मेजर अपग्रेड, बट ठीक है, इट्स अ स्लाइट अपग्रेड मैं बोलूंगा, काफी क्लीन किट है ये, लाइक देयर इज नथिंग मच टू हेट ऑन इट बीइंग वेरी फ्रैंक, पर पता है कि इन लोगों ने एक थर्ड किट निकाली थी पिछले सीजन, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि दे कुड यूज दिस एज एक होम किट या इस सॉर्ट ऑफ एक डिजाइन एक होम किट के लिए इस सीजन में, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था इन लोगों का कि ये इसी टेम्पलेट के अंदर कुछ चेंजेस करके ये लोग इस टाइप की एक नई होम किट बनाएंगे इस सीजन के लिए, क्योंकि ये काफी डिमांड थी फैंस के बीच में, बट जो जर्सी थी ना इनकी वो तो इनकी इस साल की अवे किट थी भाई, ओ माय गॉड भाई, दिस ब्लैक किट, वो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट डॉटमेंट किट दे हैव एवर मेड भाई, ये जो प्रॉपर माय गॉड भाई, दिस ओ गॉड, मेरे को मेरे निकल जाएगा। अब हम चलते हैं भाई इटली, एंड इटली के अंदर लेट्स स्टार्ट विद द चैंपियंस नेपोली, एंड ये भी एक चीज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं भाई, दे आर गिविंग ट्रिब्यूट टू देयर 84-85 वाला सीजन, मैराडोना वाला टाइम, एंड उसको देख के इन लोगों ने ये स्लीक सी किट निकाली है, एंड इट आई डोंट नो वॉट टू से, इट्स अ डाउनग्रेड भाई, आई तुम्हें क्यों सबको एक ही टाइम पर ट्रिब्यूट देना होता है, आई मीन ये प्लेन ब्लू हल्का सा व्हाइट कॉलर, मैं क्या बोलूँ इसको, मैं दिस इज नॉट एक अपग्रेड भाई, इनकी जो पिछले साल की जर्सी है ना, तुम ये देखो भाई, दिस इज ब्यूटी, दिस इज एक बहुत बढ़िया किट, अगर मतलब पता लगता है कि ढंग की किट पहन के इन लोगों ने सीजन निकाला है, एक तो इनका जो लोगो है ना लेटे रेड कलर में, लाइक कैन यू इमेजिन, व्हाई कांट यू मेक इट ब्लैक, तो अब तो मैं ये आई वुडन्ट से इट्स एक अपग्रेड, इट्स अ डाउनग्रेड, आई वुड गिव दिस
आई वुड गिव दिस अ 6.5 भाई, बीइंग दैट यू आर द चैंपियंस इतने सालों के बाद, तू बेटर किट बना सकते थे भाई, यू कुड हैव ट्राइड ब्लू एंड गोल्डन, यू कुड हैव गॉन डार्क ब्लू, हु केयर्स ब्रो, बट नहीं यू डिसाइडेड फॉर गॉड फॉर दिस ब्लू कैनवस, गॉड ब्लेस यू। इंटर मिलान ने भी अपनी दोनों किट्स निकाल दिया, इनके दोनों किट्स के ऊपर ये पता नहीं क्या ग्लिच वाले एक इफेक्ट है, तुम अगर देखोगे दोनों होम किट एंड अवे किट के ऊपर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहली बारी देखने को मिल रहा है तुम्हें किट्स के अंदर एंड बट डज इट लुक गुड। इनकी जो इस साल की किट थी ना भाई, ये मुझे काफ़ी पसंद थी, इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, लाइक इनको ऑल ओवर शोल्डर का डिज़ाइन, इट लुक्स अ गुड किट एंड दे हैव ट्राइड टू पुल समथिंग न्यू जो तुम्हें वैसे देखने को नहीं मिलेगा फुटबॉल किट्स के अंदर, ये जो ग्लिच वाला डिज़ाइन है समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट वांट टू बी लाइक ऐसे क्रिटिकल में नर्ड की तरह साउंड करना, तुमने न्यू ट्रीज को ट्राई करिए, नहीं आई वुड गिव देम पॉइंट्स फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू, इट माइट नॉट बी दैट गुड इनकी, आई वुड से इट्स एक अपग्रेड पिछली वाली जर्सी के ऊपर बींग वेरी फ्रैंक, बट बिकॉज दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू एंड ये तुम्हें वैसे जर्सीज के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो आई वुड गिव देम अ सॉलिड एट, आई वुड गिव देम अ सॉलिड एट। इट इज़ नॉट एक अपग्रेड इनके अभी वाली जर्सी के ऊपर, नो मे बी जब हम लोगों को ऑन फील्ड देखने को मिले तब ये थोड़ी बेटर लगे, बट ना इट्स नॉट एक अपग्रेड विदाउट अ डाउट, इट्स नॉट एक अपग्रेड। रोमा ने अपनी किट निकाली है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग किट है ये, पता है क्यों? क्योंकि दिस इज स्पेनिश किट भाई ये स्पेनिश नेशनल टीम की किट लग रही है भाई, देर इज नो वे कि कोई ये किट पहली बार ही देखेगा एंड दे वुड बी लाइक ओह ये रोमा की किट है, नहीं भाई रेड गोल्डन, इन लोगों ने रेड एंड येलो समथिंग सॉर्ट ऑफ कुछ मिक्स करा है इन लोगों ने, इट गिव्स मी स्पेनिश होम किट की एक वाइब भाई, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, दो दे हैव ट्राइड, ये लोग भी हिस्टोरिक गए हैं, हम मुझे पता है भाई ये लोग भी दे रहे होंगे किसी ना किसी को ट्रिब्यूट। द कॉलर स्लोगन ऑफ द AS Roma 23-24 होम किट रीड्स दल्ले रोमा which translates to the empathetic come on Roma, okay भाई it's a good message dalle Roma और इनकी इस साल की जो किट थी ना भाई that was royalty oh my god भाई that was a beautiful kit भाई। next we come to Juventus and oh boy oh man पता क्या है इनकी जो पिछले साल की किट थी ना, रुको कहाँ गई, ये रही, इनकी जो पिछले साल की किट थी ना ये अपने आप में खतरनाक थी भाई, दिस इज आई थॉट दिस इज द बेस्ट इट कैन गेट। इन लोगों ने भी इस साल अपनी किट के अंदर जो है ये गोल्डन येलो डाला है हर क्लब की तरह, जो मुझे लग रहा था थोड़ा सा ओवर कर रही है किट को, कि चलो ठीक है भाई तुम लोगों ने जिब्रा डिज़ाइन दे दिया एंड फिर तुम लोगों ने जीप के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी का लोगो दे दिया, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि गोल्डन ऐड करके तुमने थोड़ा ओवर ना कर दिया, लेकिन नहीं भाई इट लुक्स नाइस, ये किट तो वैसे भी ये लोग पहन के खेल चुके हैं तो इट लुक्स गुड ऑन द पिच एज वेल, ऐसा लग रहा है इनकी पूरे बॉडी के ऊपर एक हाईलाइट है लाइक समथिंग लाइक दैट, इट डजेंट लुक इतना ओवर जितना मैं पहले सोच रहा था, तो इट इज़ लाइक इन लोगों ने जो पिछली वाली किट इनकी वॉज वेरी मिनिमलिस्टिक, समझ रहे हो, एक काफ़ी काम किट लग रही है भाई, खतरनाक, दैट वॉज प्रॉबेबली द बेस्ट किट ऑफ लास्ट सीजन, सारी जर्सीज के अंदर सारे क्लब के अक्रॉस वन ऑफ द बेस्ट किट तो विदाउट अ डाउट, लेकिन इनके इस साल की किट आई वॉन्ट से इट्स एक अपग्रेड, क्योंकि पिछले साल की जर्सी वॉज इन इट सेल्फ नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट परफेक्ट, बट दिस इज नॉट अ डाउनग्रेड एज वेल, इट्स ए गुड किट भाई, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, अगर है भी थोड़ा सा स्लाइड डाउनग्रेड होगा क्योंकि पिछली वाली का बाहर इतना हाई सेट था भाई और कुछ नहीं है, पिछली वाली भाई अपने आप में एक रॉयल्टी लग रही है भाई ये किट अपने आप में, तो यू कांट ब्लेम देम कि अगर वो ऐसी किट वंस अगेन कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई लाइक दिस किट ना, आई एम नॉट गोइंग टू हेट ऑन इट, इट्स एक 8.5, पिछली वाली किट वॉज अ 9 भाई, दैट वॉज एक, समझ रहे, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज ओह माय गॉड। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भाई एसी मिलान के ऊपर, और पता क्या अब एसी मिलान के अंदर दिक्कत है, एक तो वैसे इन लोगों ने अपना लोगो भी चेंज करा इस किट के अंदर, तो एक मेरे को वो खल रहा है थोड़ा, नहीं आई डोंट थिंक की जरूरत थी भाई, तुम्हारे एसी मिलान का जो लोगो है ना भाई उसकी अपनी आप एक पहचान है, पर पता है एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो दिस इज एक डाउनग्रेड स्ट्रेट अवे, इट्स अ डाउनग्रेड इनकी अभी वाली किट के ऊपर, अगर तुम इनकी अभी वाली किट देखोगे भाई दिस इज गुड दिस इज समथिंग न्यू मिलान की तरफ से एंड दिस इज समथिंग वेरी लाइक अपने हिस्टोरिक रहते हुए भी दिस वॉज गुड, दिस दे कुड हैव वेंट फॉर समथिंग सिमिलर भाई, बट पता है प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों ने ना एक तो दो प्रॉब्लम्स है, दो इश्यूज है मुझे, एक तो इन लोगों ने ये किट निकाली थी जो कि कुड हैव बीन उनकी इस सीजन की होम किट एंड कोई प्रॉब्लम ना होती भाई, कॉलर वाली किट है ये, यू कुड हैव गॉन फॉर इट, इट वुड हैव बीन परफेक्ट, इन लोगों ने खेला भी था इन तो पता नहीं, बट ये भी डिज़ाइन तुम देखोगे ये केम हाफ वे थ्रू एंड फिर इन लोगों का मूड खराब हो गया कि डिज़ाइन करने के लिए ये जर्सी, बट ठीक है इट स्टिल लुक्स गुड ऑन द पिच एज वेल, इट लुक्स नीट, तुम लोग ये यूज़ कर सकते थे, they decided to go for this seriously. मैंने एक्चुअली में एक किट देखी इंटरनेट के ऊपर जो कि पहले मुझे लग रहा था कि मिलान की नेक्स्ट सीजन की किट है, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड दिस किट,
ये किट, दिस इज द बेस्ट किट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। भाई मुझे पहले लग रहा था कि ये होम किट है लाइक नेक्स्ट सीजन की। दिस वाज ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट जो कि था, मुझे बाद में पता लगा, मेरा दिल टूट गया। लेकिन ये अगर होती ना किट भाई मिलान की सीजन की, भाई मैं अपने भाई को बेच दूं इस किट के लिए। भाई आई लव माई ब्रदर बट दिस किट आई लव इट इवन मोर। ओ माई गॉड भाई, मैं इस किट को अपनी शादी में पहनूं भाई, मजाक से हटके भाई, इससे सुंदर जर्सी नहीं देखी मैंने। दे टुक एन दे मेड एन एल किट भाई, दे मेड एल किट, एल लोगो, सब कुछ एल। वर्स्ट किट, वर्स्ट तो नहीं बट वन ऑफ द वर्स्ट, 6 out of 10, मेजर मेजर डाउनग्रेड भाई, मेजर 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 डाउनग्रेड। बार्सिलोना, ओके 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 ओके, नाउ हेयर मी आउट। दो आई नो लोगों को ये किट काफी पसंद आ रही है, बट मेरे को पर्सनली इट इज अ लेवांते किट। मैं क्या बोलूँ भाई, यू कुड हैव मोड और ब्लू, आई डोंट नो। एंड पता है कि हमारी जो इस साल की किट थी ना भाई, दैट वॉज वो तो उसके ऊपर तो इट इज एक मेजर डाउनग्रेड, पता है, क्योंकि वो किट अपने आप पे इतनी खतरनाक थी। कहाँ है वो? तो यस, ये किट ना, ये अपने आप में दिस इज परफेक्ट। आई डोंट थिंक तुम इसके ऊपर कोई किट बना सकते हो। लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो लोग बनाएंगे, क्योंकि वंस अगेन कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे थे इंटरनेट के ऊपर, तो आई थॉट बार्सिलोना किसी को देख के चुरा लो बस सिंपली। बट नो ब्रो, नो, दे डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। लेवांटे फील दे रही है मुझे ये, नहीं, इट इज नॉट एक, दिस इज अ डाउनग्रेड। अपग्रेड तो किसी मैटर में नहीं है, ये दूर दूर तक नहीं है। एंड आई गेट इट, तुम पहले भी ऐसे किट हम पहन चुके हैं बहुत बारी, बट ना ब्रो, ना होमी, दिस गिव्स मी एक ओल्ड स्कूल लुक, एंड आई डिडंट वांट ओल्ड स्कूल लुक फॉर नेक्स्ट सीजन। जब हम मॉडर्न जा रहे थे ना, हम लोगों का नया स्टेडियम बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, यू हैव टू कीप गेटिंग मॉडर्न। दिस इज अ डाउनग्रेड ब्रो, दिस इज अ 7 out of 10 ब्रो। मे बी ये किट एक बारी आ जाए तो थोड़ी सी बेटर लगे, बट अभी के लिए तो इट डजंट लुक दैट गुड। अभी के लिए तो इट लुक्स लाइक, एम आई बीइंग टू क्रिटिकल, आई डोंट नो। थैंक गॉड दे हैव गॉन फॉर द राउंड नेक, वरना बार्सिलोना तो आई डोंट नो इन लोगों को कॉलर के साथ क्या दिक्कत है। ये हमेशा पता नहीं क्या कुर्ता सवार सलवार की कॉलर लगा देते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस, मैं बोला था ये लेवांते की किट लग रही है यार। बार्सिलोना की अवे और थर्ड किट की भी लीक्स वैसे आ चुकी है। अवे किट बार्सिलोना की मोस्ट प्रोबेबली एक प्लेन व्हाइट किट होगी, जो कि आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट भाई। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम हमने बार्सिलोना को प्लेन व्हाइट किट के अंदर देखा था, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, तो ये तो मुझे बहुत पसंद आई। बट हमारी जो थर्ड किट है ना, आई जस्ट होप कि वो ज्यादा प्लेन ना हो, क्योंकि कुछ रूमर्स का कहना है कि वो प्लेन भी हो सकती है, प्लेन ग्रीन, दैट आई डोंट वांट टू हैपन। अगर हम रेट्रो स्टाइल के अंदर जाते तो आई वुड एब्सोल्युटली लव इट। रियल मैड्रिड ने अपने इस साल की किट अभी तक निकाली तो है नहीं, बट जो लीक्स आए हैं भाई, दे लुक इम्प्रेसिव। इन लोगों ने भी गोल्डिश जो है वो ऐड करा है, एंड ब्लैक कॉलर दिए अपने आप को, एंड इनकी अवे किट जो है, दैट इज इन माई ओपिनियन डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा, ये एक इन्फिनिटी सिंबल है जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग ब्लैक और गोल्डन के लिए जाएंगे प्लेन, जो इन लोगों का पहले एक रोनाल्डो के टाइम पे भी इन लोगों की किट थी। तो ये ब्लूइश ब्लैकिश अवे किट, आई डोंट वांट टू मेक कमेंट्स राइट नाउ, इट इज़ नॉट दैट गुड जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मे बी इट लुक्स डिफरेंट ऑन द पिच। लेकिन इनकी होम किट, लेट्स टॉक अबाउट द होम किट, क्योंकि ठीक है, वंस अगेन फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बोला था कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक चेंजेस करते हैं ये लोग अपनी किट के अंदर, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इन लोगों ने थोड़े सीजन पहले भी ऑरेंज के साथ एक कॉम्बिनेशन वाली किट बनाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक है भाई, अब उन लोगों का स्कोप ही ये है, तो दैट्स अ गुड किट, नॉट गोइंग टू लाई। भाई बार्सिलोना की पिछले साल की किट वॉज टू गुड यार, आई यूज टू लव इट। That was the best kit I've seen for Barcelona for a long, long time. So I don't know, yaar. This is like obviously an upgrade. I don't know, upgrade तो क्या है, अपग्रेड है, इट इज अ लिटिल अपग्रेड बिल्कुल। फाइनली हम आ चुके हैं भाई एटलेटिको दे मैड्रिड के ऊपर, दे आर गोइंग फॉर द स्ट्राइप्स वंस अगेन। 4 साल के बाद दे आर गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड स्ट्राइप्स वंस अगेन। आई वुड गिव दम एक 8 इस खुशी पे भाई। इट इज एक अपग्रेड इनकी इसी वाली जर्सी के ऊपर। भाई तुमने इनकी इस साल की जर्सी देखी है? खाली एल्पलीबे की गोली। दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या, ये क्यों है? इस किट के सिर्फ एक अच्छी बात पता है क्या है, कि ग्रीज़मैन ने ये पहन के ना एक बॉलिंग सीजन ड्रॉप करा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस किट। एंड नॉट सरप्राइजिंगली ये इनकी लीस्ट सोल्ड किट इन हिस्ट्री थी भाई, इन हिस्ट्री। मैं कई बार ना बहुत बुरा फील करता हूँ एटलेटिको मैड्रिड फैंस के लिए। एक तो भाई तुम उनको पूरे साल पीक सिमियोनी बॉल दिखाते हो, ठीक है, 5 डिफेंडर, 5 डिफेंसिव मिडफील्डर, उसके ऊपर से तुम उन्हें ये किट पहना देते हो। अरे भाई, दिस इज बॉर्डरलाइन जेनोसाइड, यू नो भाई, तुम बंदों को मारना चाहते हो भाई। ऐसी किट बनाने वालों को तो ना गोली मार देनी चाहिए भाई, उनके हाथ काट दो भाई, फॉर रियल, वापस नहीं बनाए ऐसी किट। लेकिन नहीं, दे आर गोइंग बैक टू द स्टैंडर्ड व्हाइट एंड रेड स्ट्राइप्स, इट लुक्स नाइस, ठीक है, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है, इट्स अ मेजर अपग्रेड, मेजर मेजर अपग्रेड, 8 on 10 भाई, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ तो ढंग की जर्सी बनाई है इन लोगों ने पिछले इतने सालों में। तो आई थिंक हो गई है भाई हमारी मेजर मेजर क्लब्स की तो किट्स हो गई हैं, इसके बाद और भी काफी सारी किट्स होंगी, वो हम देख लेंगे कभी और किसी लाइव स्ट्रीम वगैरह के अंदर। बट ठीक है भाई, मुझे अपनी फेवरेट किट जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई वांट टू नो कि
इस साल ऐसी कौन सी किट है विच यू थिंक इज द बेस्ट? मेरे अकॉर्डिंग कौन सी किट बेस्ट है? आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट. आई डोंट नो, मैं चूज नहीं कर पा रहा यार, मैं चूज नहीं कर पा रहा वैसे कि कौन सी किट होगी बढ़िया. I don't know यार, मैं चूज नहीं कर पा रहा कौन सी. आई फील लाइक लिवरपूल यूनाइटेड हैव डन गुड किट बिजनेस, रियल मैड्रिड ने भी सही किट बनाई है, होप बार्सिलोना अपनी सेकंड किट अच्छी बनाए भाई, दैट्स द लीस्ट आई होप. बट ठीक है भाई, आर्सेनल की किट इज गुड, आर्सेनल की किट इज गुड, यस. बट ठीक है, डू टेल मी योर फेवरेट किट इन द कमेंट, अपनी भी रैंकिंग्स मुझे बता देना अगर तुम्हारा मन करे. एंड बस लाइक सब्सक्राइब, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे.